अब लड़का जाएगा यहाँ से ना, शादी लड़का वाला करा। हाँ ठीक है, होना तो यही चाहिए। और क्या पता नहीं अपने मेरे से क्या चीज़ें बनती चलती रहती है। हेलो एवरीवन, सो ये रहा शादी का ब्लॉग। अब यहाँ से सिंदूर दान, सात फेरे और सात वचन होंगे। तो मैं ये सेकंड ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जयमाले के बाद कन्यादान का, एंड पूरा ऑल शादी ब्लॉग जो सात फेरे में सात वचन होते हैं वो। तो आई होप आप लोग ब्लॉग को इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके साड़ी पहन ली हूँ, बस अब दुल्हन भी आ गई लहंगा चेंज करके येलो साड़ी में आ गई अब शादी के लिए इस लहंगा को। तो देख सकते हैं दुल्हन और भी खूबसूरत रल लग रही है येलो साड़ी में, और ठंड इतना ज़्यादा था कि भाभी लोग कपड़े भी स्वेटर वेटर डाल लिए, बट दुल्हन चुंदरी वगैरह में पहनी हुई है, ओढ़ी हुई है, तो उनको उतना नहीं लग रहा होगा, बट ठंड अभी और भी बढ़ रहा है। तो चलिए इंजॉय कीजिए मैरिज ब्लॉग को, उत्तराखंड गढ़वाल शादी ब्लॉग। सो गाइस, तो यहाँ पे दुल्हे साहब जैसा कि दीपक देवर जी आ गए कपड़े चेंज करके सरवानी, और बस अब दोनों को गेठी जोड़ा जा रहा है, पायल पहनाया जा रहा है, अब गेठी जोड़ के शायद गेठी जोड़ने के लिए आंटी जी मेरे को ही बोली रही थी। तो यहाँ पे अभी पायल पहन रहे हैं और उसके बाद अब गेठी जोड़ के शादी होगा। दीपक भाई को नींद भी आ रहा है क्योंकि रात का 2 बज रहा है और हम लोग बस 10 लोग मुश्किल से जगे होंगे, बाकी लोग जाके सो गए हैं क्योंकि हम लोग को विध व्यवहार भी करना था, तो इसलिए। और उनके यहाँ ना गढ़वाल में ऐसे दान होता है जैसे मम्मी पापा लोग दान करते हैं, साथ साथ मामा मामी दान करते हैं, चार लोग मिलके करते हैं। तो ये जो आगे में दोनों पति पत्नी बैठे हैं ना, उनके अंबिका के मामा मामी हैं, तो ये चार लोग एक साथ दान करेंगे। मामा मामी दान करेंगे और उनका हाथ पकड़ लेंगे उनके मम्मी पापा पीछे में बैठ के। कन्यादान का संकल्प हो रहा है सर, ठीक है। एक मिनट कल्पेवन मंत्र कलियुगे कलि प्रत्यंगे भारत वर्षे जम्बूदीपे भरतखंडे बद्री केदार चित्रे मार्ग से सुबह शुक्ले पक्षे अद्य द्वितिया प्रदत्त्या अमुखवास में प्रति बहु पति अस्कंधस्य सेनापति सर्वे ते पतयः। सो गाइस, तो यहाँ पे गठबंधन जिसको गेठी जोड़ना बोलते हैं सात फेरा के लिए, तो यहाँ पे गेठी जोड़ रहे हैं दोनों का, चुंदन बांधना रहता है। ओम
ओम अखंड सौभाग्यवती भव सो गाइस, तो बीच बीच में मैं अपना भी टिप ले रही थी दुल्हन दुल्हन के साथ कि मैं भी हूँ और यहाँ पे कुछ मिठाई खिलाने वाला, रसम मीठा करने वाला, तो देख सकते हैं एक दूसरे को खिलाना रहता है इसमें तो ऐसा रसम है। लाजा हम भी आपने कर लिया, परंतु अभी भी विवाह पूर्ण नहीं हुई है। अब इनकी कुछ वाक्य है, जो वचन है वो आप स्वीकार करना। सात वचन स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा हो जाए तभी विवाह मान लेंगे। इसके बाद सप्तपदी कर्म पूरा हो जाता है तभी विवाह मान जाता है। इसमें मेरे सात वचन है, ये कह रही है जो हमारी सात वचन है, अगर आपको मंजूर हो अर्थात आप उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो मुझे बामांगी होने में कोई इनकार नहीं। इनमें प्रथम प्रतिज्ञा यह है कि गृह में, घर में जो कुछ भी आप निष्ठान धन धान्य भक्ष भोग्यादि हो उसको मेरे मान रक्षण के लिए अगर आप मेरे अधीन रखें और जो बाहर से द्रव्य प्राप्त हो उसे गृह में ले आवें, बाहर न रखें और बिना सम्मति और आवश्यकता के अनुसार, और गृह में जो भोजन न करें और पर गृह में अपने घर में भोजन न करके दूसरे घर में जो भोजन करते हैं उसे परगृह कहते हैं। ठीक है, अपने घर में भोजन न करके दूसरे घर में भोजन न करें पर गृह में शयन भी न करें, दूसरे घर में शयन भी न करें तो मैं आपकी बामांगी हूँ, ऐसा मेरा प्रथम वाक्य है। अब आप इनसे कह रही हैं, वो आपसे कह रही हैं, पहले अब सिंदूर दान हो रहा है, सिंदूर पड़ रहा है। आस्यासन परिधायस्त्रे सतसमिदः कृताः देवा गजनान्तरमाना अवनान् ओ तालिकालिमुजये जननमय दन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न देहनाग महिमानः सन्ति देवाः। तो टाइम हो रहा है अभी 3:04 बज रहे हैं, हम लोग लीजिए चाय का पी रहे हैं नींद तोड़ने के लिए। लीजिए आप लोग भी चाय लीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उनको पहना नहीं दीजिए, उनको पहनाना दीजिए। यहाँ पे दुल्हन को सिंदूर पड़ गया, उसके बाद मंगलसूत्र पहना रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सात सुहागन सिंदूर लगाएंगे अंबिका को, दुल्हन को। सिंदूर पर गए, पिता की मांग भर गई। आप रात भर जाके शादी देख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सात वचन की ट्रेनिंग ले, सात वचन बहुत टफ है, बहुत लोग नहीं निभा पाते, वही में क्राइम होता है। अगला नंबर आप नहीं है, हाँ आपका ही है। अब आगे शादी आपकी जाना है। यहाँ पे संपूर्ण शादी समाप्त हो गई, बस अब गोबर में जाएंगे। हैप्पी मैरिज लाइफ, थैंक यू। और उसके बाद फोटो क्लिक करेंगे। तो ये लोग का बस कम्प्लीटली शादी कम्प्लीट हो गया, अब ये लोग गोबर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोबर में। गोबर में कि गोबर लिखा हुआ है, अभी गोबर वाला नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं रूम में, पहले तो कपड़े चेंज करूंगा।